أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والے ہیں جس کا پاک بابرکت نام ہے اسی کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آج ہم کیا بنائیں گے آج ہم بنائیں گے समोसा। तो देखें समोसे में हम क्या क्या डालेंगे। 6-7 मैंने ये आलू ले लिए हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। ये बहुत मज़े की डिश बनेगी। जैसे हम समोसा बनाते हैं, समोसे कई किस्म का बनता है, आलू का समोसा, चिकन का समोसा, कीमा समोसा, वेजिटेबल समोसा। आज हम वेजिटेबल भी डालेंगे, आलू भी डालेंगे और चिकन भी डालेंगे। चलें आज हम शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे चाहिए यहाँ 100 ग्राम मैंने ले लिया है मटर, ये मेरे फ्रीज हुए हुए हैं। आलू, आलू को मैंने छिलके के साथ ही उबाल लिया है, उबाल के छील के रखे हैं। अब यहाँ मैंने चिकन उबाल के इसके भी मैंने सारे थोड़ी देर इनको भूनेंगे, थोड़ा सा इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही ये आलू भी डाल देंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि मसाले इनके सारे मिक्स हो जाएं। दो चम्मच धनिया भी डाल लेंगे, सब्ज़ धनिया। मैंने फ्रीज किया है, अब इसको फिर मिक्स करेंगे। एक चम्मच लेमन का डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मटर भी डालेंगे, कैप्सिकम, इनको भी अच्छी तरह थोड़ा सा भूनेंगे। इनका कच्चापन जो है थोड़ा सा इसके अंदर हो जाए ज़्यादा। ये हमारा मसाला तैयार है, इसको 1 मिनट बोलनी है, 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ मैंने चूल्हे को बंद कर दिए, अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँ। तब तक के लिए हम पट्टी तैयार कर लेते हैं समोसे की, इसको नीचे उतार के रख देते हैं। ये ठंडा होगा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब मैंने इसको नीचे उतार दिया, अब पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आटा लिया है, इसमें मैं डालूँगी घी। ये जो घी रखा हुआ है
एक, ये देख लें 2 ही चम्मच बनिए, ये मोन के लिए डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं, अब समोसा बनाना शुरू करते हैं। इनको मैं साइड पे रखूँगी, ये मैं थोड़े से बना लिए हैं, मैं आप लोगों के साथ एक दो बनाऊँगी फिर वीडियो लंबी हो जाती है। बेलने का तो सबको पता है कितना कितना बेलना है, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर लें। ये देखें, रोटी बेल ली है, ये जो मिक्सचर बनाया ये रखूंगी। आप जितना रखना चाहते हैं रखें, आप भर के रखना चाहते हैं तो भर के रख लें, अगर थोड़ा डालना चाहते हैं तो कम डालें। यहाँ मैंने रोटी बेल ली है, ये देखें, अब मैं इसको कट लगाऊंगी। अगर आप लोग ये दिखाते हैं फिर इसको तलेंगे, ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे जैसे मैंने बनाया है। तो ये देखें हमारा समोसा तैयार हो गया, ये मैं बना रही हूँ समोसे माशाल्लाह से। प्लेन को मैंने ऐसा रखा है, ये मेरा बन गया, गोल्डन ब्राउन करेंगे इनको। यहाँ मैंने डाल दिए, ये देखिए कितना अच्छा आटा गूंदा है, तो उतने अच्छे समोसे बनेंगे। ये देखिए इसको मठी मठी आग होने दूँगी, अब मैं दूसरा बना लेती हूँ। समोसे हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह से, समोसे हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह से, मैंने बनाया और शेयर किया आप लोगों के साथ, ये बहुत मज़े के बने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए, समोसे बहुत ही मज़े के बने हैं, समोसा चिकन बहुत ही मज़ेदार लज़ेदार बने हैं। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमने बनाए हैं समोसे, ये बहुत मज़े के बने हैं, ये बनाने में भी इतने आसान हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। सर्दियों में समोसा हो और चाय साथ हो तो हम, टी का टाइम हो और ये खा सकते हैं, रात को खाएं सुबह खाएं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। साथ ये पुदीने की चटनी है, इसके साथ इसका बहुत जोड़ मेल होता है। अगर चटनी साथ हो, समोसा हो, मज़ेदार और करारा, तो चले मैं आप लोगों के साथ ये एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये तो ये है, ये देखें, ये मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये देखें कितना ही मज़े का और लज़ेदार होगा, लज़त वाला। चले आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, आप मेरे साथ मेरे किचन में रहना, ठीक है। चलें जी, आप लोगों के साथ मैं ये ज़रूर शेयर करूंगी और रेसिपी देखते हैं किसमें कि कौन कौन सी चीज़ डलेगी।